चार प्रकार की शिक्षा होती है। पहला धर्म, पहला जोर से धर्म, और जब धर्म पर चलोगे तो धर्म के अनुसार अर्थ आएगा और वो अर्थ शांति देगा। बेईमानी से कमाओगे अर्थ तो वो नाश कर देगा। तो धर्म से अर्थ आएगा और अर्थ आएगा तो कामनाएं पूरी होंगी। कामनाएं पूरी करो, घर बनाओ, गाड़ी खरीदो, पत्नी के लिए हार बनाओ, सब करो, पर धर्म से कमाए गए अर्थ से कामनाएं पूरी करो। ये नहीं कि कामनाएं पूरी करनी है तो आपने किसी बच्चे को किडनैप कर लिया और उसकी किडनियां बेच दी। क्या भारत में किडनियां लोग नहीं बेच रहे हैं? बोलो भाई, क्या आज लोग बच्चों की चोरियां नहीं कर रहे हैं? बच्चों की चोरी करना, किडनियां तक लोग बेच रहे हैं लोगों की। आप किसी को अकेले मिल जाए तो लोग आपको ले जाके आपकी किडनियां बेच दें। इतनी हैवानियत आ जा गई है कि आदमी अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये हो रहा है या नहीं? हाँ या ना? धड़ल्ले से हो रहा है। क्या है ये? धर्म नहीं पढ़ाओगे बच्चों को तो यही होगा। कलयुग है ये धर्म। इसलिए पहले के जमाने में गुरुकुल होते थे, उन गुरुकुलों में धर्म पढ़ाया जाता था, फिर अर्थ पढ़ाया जाता था, फिर काम पढ़ाया जाता था, और जब धर्म अर्थ काम पूरा हुआ तब मोक्ष की पढ़ाई होती थी। बेटा ये मोक्ष है, मोक्ष की यात्रा, अंतिम शिक्षा। अंतिम यात्रा क्या है? मोक्ष के बारे में पढ़ते थे, मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष क्या है। लेकिन आज ना तो धर्म कोई पढ़ रहा है ना मोक्ष कोई पढ़ रहा है, केवल अर्थ और काम, दो प्रकार की शिक्षा स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। पहले होते थे गुरुकुल, पहले क्या होते थे? जोर से। फिर हमारे देश में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने सारे गुरुकुलों को तोड़ा मरोड़ा और उन्होंने यीशु कुल की स्थापना की। गुरुकुल मतलब गुरु का परिवार, समझो। खोपड़ी लगाना, दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूं, जो बोलूंगा उसे समझने के लिए भी अक्कल चाहिए। पहले थे गुरुकुल, जिन गुरुकुलों में धर्म की पढ़ाई होती थी। फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने सारे गुरुकुलों को जलाया, सारे गुरुकुलों को उजाड़ा और यीशु कुल की स्थापना की। ये यीशु कुल क्या है? यीशु, यीशु, यीशु मतलब ईसा मसीह। यीशु है ना, यीशु, यीशु कुल। तो ये यीशु कुल मतलब गुरुकुल और यीशु कुल, तो कुल मतलब होता है परिवार। लोग कहते ना ये हमारा कुल है, कुल मींस परिवार, कुटुंब। कुटुंब को क्या बोलते हैं? कुल। ये हमारा कुल है, ये हमारे कुल का मींस हमारे परिवार का। तो हम हिंदू एक परिवार की तरह रहा करते थे सनातनी, जहां गुरुकुल में सबको भगवान राम और निषाद राज, ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं। हमारे यहां गुरुकुलों में सबको पढ़ाया जाता था, कोई भेदभाव नहीं था। यदि भेद होता तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्यों पढ़ाया? इसका अर्थ यह है कि कोई जातवाद का जहर था ही नहीं हमारे देश में, सबको शिक्षा का अधिकार था। यदि सबको शिक्षा का अधिकार नहीं रहा होता तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को क्यों पढ़ाया? इसका मतलब के गुरुकुल में पढ़ने का अधिकार सबको था और सब पढ़ते थे, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भी पढ़ाया। तो हमारे यहां फिर गुरुकुल थे, जिस गुरुकुल में धर्म पढ़ाया, अर्थ काम मोक्ष पढ़ाया, उन गुरुकुलों को नष्ट किया और अंग्रेजों ने अपने यीशु कुल की स्थापना कर दी कि भाई तुम गुरुकुल वाले नहीं हो, यीशु कुल वाले हो। अब बताओ आप कौन हो, गुरुकुल वाले हो या यीशु कुल वाले हो? उत्तर दो। यीशु कुल मतलब ईसा मसीह का परिवार। यीशु कुल मतलब, जोर से,
ईसा मसीह का परिवार। तो भाई आप अपना परिवार बढ़ाओ, आप अपना परिवार रखो, कोई हमें आपत्ति नहीं है, पर हम हिंदुओं में तुम यीशु कुल थोप क्यों रहे हो? भाई हम यीशु कुल के नहीं है ना, हम गुरु कुल के हैं, हम गुरु का परिवार है, हम राम का परिवार है, हम कृष्ण का परिवार है, हम यीशु का परिवार नहीं है। यीशु का परिवार ईसाई लोग हैं। आप किसका परिवार हो, राम का, कृष्ण का या यीशु का? जोर से। लेकिन आज के आजाद हिंदुस्तान में आज भी यही यीशु कुल बाद में स्कूल बन गए, यही यीशु कुल क्या बन गए? इस आप समझ नहीं रहे हैं कितना गहरा षड्यंत्र खेला इन अंग्रेजों ने। आज भी भारत में कॉन्वेंट स्कूल के नाम पर क्या नहीं हो रहा है, सारे ईसाई लोग स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो मैं तो बच्चों को इंग्लिश पढ़ानी है, इंग्लिश के चक्कर में तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं तिलक लगाकर, तो स्कूलों में तिलक हटवा देते हैं, क्योंकि वो यीशु कुल है और यीशु कुल में तिलक क्यों लगाएंगे वो, जबकि गुरु कुल में तिलक लगाया जाता है। बताओ भारत का पहनावा क्या है, पैंट शर्ट या धोती कुर्ता? उत्तर दो, क्या पहनावा है? लेकिन आज भारत का पहनावा कौन पहन रहा है भाई? भारत की पहचान धोती कुर्ता से है, ना कि पैंट शर्ट से। लेकिन आज हमारे गुरुकुलों में पहले धोती कुर्ता ही था, पर स्कूल आए क्योंकि ये यीशु कुल हैं, तो यीशु का परिवार जो है वो यीशु ईसा मसीह को शराब वहां के लोग वो चढ़ाते हैं, पीते हैं, वहां हम लोग जैसे शंकर जी को पानी चढ़ाते हैं वो लोग शराब चढ़ाते हैं। ये बात सही है या कि आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? जैसे हम लोग शंकर जी को पानी चढ़ाते हैं, गंगा जल, ऐसे वो लोग क्या चढ़ाते हैं? शराब चढ़ाते हैं। तो यीशु कुल का उद्देश्य क्या है? सारे लोगों को शराबी बनाओ। वो लोग गौमांस खाते हैं। तुम गाय की, गुरु कुल में गाय को माता माना जाता है, गुरु कुल में गाय को माता, और यीशु कुल वो तो गाय को खाते हैं। तो गाय को खाने वाले लोग आजकल आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं यीशु कुल में, शराब पीने वाले लोग आजकल आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं यीशु कुल में, और पढ़ा क्या रहे हैं कि कमाओ पैसा और भोगो भोग। धर्म मोक्ष की बात वो क्यों करेंगे? धर्म की बात तो गुरु करेगा, तो गुरुकुल में आपके बच्चे पढ़ेंगे तो गुरु के संस्कार मिलेंगे। पूरी शिक्षा प्रणाली बिगड़ी है साहब, क्या सुधारोगे अब आप? खेल हो चुका, बचा नहीं है कुछ। इसलिए एक काम हो सकता है कि आप अपने बच्चों को, जब आपके बच्चे यीशु कुल से पढ़कर आए, स्कूल से पढ़कर आए, तो आप आधा घंटा अपने बच्चों को गीता घर में पढ़ाओ, कथा भागवत घर पर सुनाओ, और बच्चों को राम कृष्ण की कथा सुनाकर संस्कार देना स्टार्ट करो। अपने धर्म के बारे में बताओ। आपके बच्चों को यह पता होना चाहिए कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, वृंदावन क्या है, अयोध्या क्या है, सरयू क्या है, गंगा की महिमा क्या है।